कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किन्हें चलाया था जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा कैसे हो सकते हैं, वो विपक्ष की एकता नहीं पक्षी की एकता कर रहे हैं। जिस तरीके से पक्षी कभी उड़ते हुए नज़र आता है तो कभी बैठते हुए नज़र आता है, उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पक्षी एकता करने में जुटे हुए हैं, जो कि संभव नहीं है। आने वाले चुनाव में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10 सीटों पर समेट दिया जाएगा, यानी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि बिहार के लिए तो कुछ किए ही नहीं या अन्य राज्यों के लिए कुछ किए ही नहीं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे हो सकते हैं, विपक्ष का चेहरा कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कई राज्यों को देखना पड़ता है, कई राज्यों में विकास की काम करना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय काट रहे हैं। बिहार के विकास के लिए उनको जनाधार मिला है लेकिन बिहार के विकास करने में उनको मन नहीं लग रहा है, दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त हैं और बिहार की जनता बाढ़ और सुखाड़ से पस्त है। और क्या कुछ कर रहे हैं आरसीपी सिंह, पहले आप सुनिए। देखिए एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देख लीजिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा ज़िला है, आसपास जितने ज़िले हैं, जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं, किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है, वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है, पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है, वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं, किन की पैरवी से मिले हैं? आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं, 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किन्हें चलाया था जी, किस सरकार ने चलवाया था, इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, अब फोटो भी देख रहे कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया, लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीजों को भूल रहे हैं, और ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार की। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि आरसीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर किनसे मिले हैं, वो उनसे मिले हैं जिन्होंने जेपी आंदोलन पर
जेपी आंदोलन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, उस समय किन की सरकार थी, उन्हीं से जाकर के मिले हैं, उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाए हैं। धीरेंद्र कुमार, DTV भारत, पटना।